Now we will see what is the current status of ICT in our country. So ICT in education reached nowhere. Uneven implementation. Pahla masla to ye hai ke uneven implementation hai. Bahut se aise school hai. जैसे मैंने अर्ज किया वहाँ पे ये facilities हैं जो खास तौर पे हमारे urban areas हैं और जो हमारे बड़े शहर हैं वहाँ के स्कूलों में सब तरह की facilities हैं लेकिन जैसे जैसे हम सब अर्बन या रिमोट एरियाज में जाते हैं वहाँ हमें ये फैसिलिटीज नज़र नहीं आती दूसरा इन एडिक्वेट टीचर ट्रेनिंग तो जैसे मैंने अर्ज किया वो रिसोर्स भी हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए कि भाई अगर स्कूलों में इक्विपमेंट नहीं है तो हमने उनके टीचर्स को भी तो ट्रेन नहीं किया चूँकि इक्विपमेंट था नहीं ज़रूरत महसूस नहीं की गई इस की ट्रेनिंग नहीं की गई उनको प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं दी गई और जाहिर है जब वो इस ही ट्रेन नहीं होंगे तो वो आगे किस तरह से महारतें जो हैं वो पेश करेंगे सो लिमिटेड डिजिटल लिटरेसी अमंग स्टूडेंट्स जब इस ट्रेन नहीं थे तो जो बच्चे हैं जो तौर पर टेक्नोलॉजी यूज़ कर भी रहे हैं उनकी महारतें भी अभी लिमिटेड हैं उनको कुछ बेसिक चीज़ें ज़रूर पता हैं, लेकिन कहाँ उनको क्या चेंजेस लानी है कैसे वो अच्छे सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं क्या उसकी ट्रबल शूटिंग है इस बारे में अभी उनको पता नहीं है तो जैसे मैं अर्ज़ कर रही हूँ कि जिन बच्चों को हम दे पा रहे हैं महारत वो भी अभी कुछ नामुकम्मल है देन कॉस्ट एंड एक्सेसिबिलिटी कॉस्ट एंड एक्सेसिबिलिटी का ये है कि चूंकि डेवलपिंग कंट्री होने के तौर पर हमारे पास अभी इतने रिसोर्स नहीं हैं और हमारा बहुत कम जी जो है वो खर्च होता है एजुकेशन पे तो ऐसे दूर दराज इलाक़ों में जहाँ पे बाकी फैसिलिटीज़ भी नहीं तो वहाँ पे ख़ास तौर पे कंप्यूटर्स लैब बनाना और वो भी छोटे बच्चों के लिए बनाना अभी तरजीहत में शामिल नहीं क्योंकि वो पैसे लगते हैं उसके ऊपर तो ज़ाहिर है जब कॉस्ट भी नहीं दे सकते तो बच्चों की एक्सेसिबिलिटी भी वहाँ पर नहीं है और चूंकि जैसे मैंने अर्ज़ किया तोानाई के बहरान की वजह से भी ज़ाहिर है ये जो तो टेक्निकल इक्वमेंट है ये तोानाई के बगैर नहीं चल सकता और टेक्नीशंस के बगैर भी नहीं चल सकता तो जब प्रॉपर टेक्नीशियन नहीं होंगे इस ना हो और तो का भी बहरान हो तो फिर ज़ाहिर है इतना पैसा वहां पर खर्च नहीं किया जा सकता देन इस टेक्नोलॉजिकल देखें ये बात है कि टेक्नोलॉजी इवाल्व रेपिडली एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन द लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड अपडेट्स दुनिया तो बड़ी तेजी से बदल रही है रोज नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं रोज नई एप्स आ रही हैं रोज कुछ ना कुछ नया हर रोज तो आप देखिए ऐसा अब एक दफ़ा कोई कंप्यूटर दे दिया फर्ज करें एक दफ़ा में आपने पैसा खर्च भी किया तो आपने कंप्यूटर प्रोवाइड कर दिए स्कूलों के अंदर तो अब उनके मॉडल बदल, बदल गए सॉफ्टवेयर बदल गए और विंडोज़ नई आ गई तो आप हर दफ़ा तो उसको अपडेट नहीं कर सकते और हर दफ़ा इतना बड़ा प्रोजेक्ट भी नहीं दिया जा सकता डेवलपिंग कंट्रीज में तो इस वजह से ऐसा भी है कि हम अगर एक दफ़ा दे रहे हैं चीज़ें तो हम उसको उतनी तेजी से अपडेट नहीं कर पा रहे जितनी तेज़ी से दुनिया के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स चूंकि इस बेहतर तरीके से ट्रेन नहीं हैं तो अब जाहिर है फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स भी होंगे जब वो यूज़ करेंगे टेक्नोलॉजी को मे भी उनको प्रिवेंटिव मयर्स ना आती हों तो वो ख़ुद भी गैर महफूज इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर जिन बच्चों को वो सिखा रहे हैं वो भी गैर महफूज इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरा ये कि अब बहुत से ऐसे हैकर्स और बहुत सी ऐसी एजेंसीज़ हैं जो आपके चलते हुए सिस्टम्स को भी ख़राब कर सकते हैं तो अगर उसके प्रॉपर कोई ऐसा इन जो है वो इलाज ना किया जाए तो फिर काफ़ी नुकसान हो सकता है डेटा के ऊपर भी बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो भी ख़त्म की जा सकती है तो इसलिए इसके लिए भी एक ख़ास ट्रेनिंग जो है वो ज़रूरी है